एवरीवन, कंप्यूटर में पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम है अनिल। तो आज का टॉपिक है एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट बनाना सिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हम बताए हैं कि एम एस वर्ड में सर्टिफिकेट किस तरीके से बना सकते हैं, तो सबसे पहले सर्टिफिकेट बनाने के लिए एम एस वर्ड को चलिए ओपन करते हैं। तो ये स्टार्ट विंडो में चलते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ है माइक्रोसॉफ्ट 2007, क्लिक करते हैं। उसके बाद पहले पेज के साइज़ को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं ओरिएंटेशन पेज, यहाँ पे लैंडस्केप में करते हैं। फिर उसके बाद मार्जिन को चेंज करते हैं, इसके यहाँ पे नेरो में ले लेते हैं। यह मार्जिन इसका कम हो जाएगा, ये मार्जिन ले लिए नेरो। उसके बाद पेज के साइज़ को यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पेज के साइज़ को जूम आउट राइट साइड में नीचे में दिया हुआ है उसको 80 कर लीजिएगा। फ़िलहाल मेरा अभी 80 है। उसके बाद अभी चलिए बॉर्डर ले लेते हैं यहाँ पे। तो पेज बॉर्डर, ये पेज बॉर्डर में क्लिक किए, उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए कोई एक इस तरीके से। चलिए कलर ले लेते हैं, कोई कलर ले लीजिए यहाँ से। चलिए ब्लू ले लिए। उसके बाद यहाँ पे ओके करते हैं, ये ओके। उसके बाद यहाँ से भी ओके करते हैं, ये पेज बॉर्डर लग गया। उसके बाद चलिए कुछ शेप ले लेते हैं सर्टिफिकेट को कुछ अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए, अच्छा दिखे। तो इंसर्ट में चलते हैं, ये इंसर्ट में आ गए। उसके बाद यहाँ पे शेप ये क्लिक किए। चलिए कुछ रेक्टेंगल ले लेते हैं, बेसिक शेप ले लेते हैं। तो ये हम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करते हैं, तो इसको इस तरीके से ड्रैग कर लिए। अब इसको घुमा लेते हैं, इसकी दिशा को चेंज कर लेते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब सेम इसी तरीके से एक और हमको इस साइड नीचे रखना होगा, तो यहाँ पे कंट्रोल दबा करके ड्रैग करेंगे इस तरीके से, इसको नीचे की ओर ले आएंगे। फिर यहाँ से इसको भी घुमा लेते हैं पहले इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पे सेट कर देते हैं इस तरीके से, ये सेट हो गया। अब इसको साइज़ को और थोड़ा कम करना है तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से आप रख सकते हैं। अब इसका कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये कलर है, आप कोई भी कलर रख सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे से फिल कलर भी दिया है, फिल कलर में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न, पैटर्न में आप कुछ रख सकते, कोई भी पैटर्न रख सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, ग्रिड लाइन दिया हुआ, टेक्सचर दिया हुआ। टेक्सचर में ये इस तरीके से कुछ दिखेगा, किसी एक को सेलेक्ट करके दिखाते हैं तो इस तरीके से दिखेगा टेक्सचर। तो चलिए फिलहाल इसी को रख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सेव फिल कलर, पैटर्न, टेक्सचर, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से आप ले लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्था का नाम, जो भी जिस नाम से सर्टिफिकेट, जिस संस्था का सर्टिफिकेट होगा, तो पहले उसका हम नाम लिखते हैं यहाँ पे। तो चलिए वर्ड आर्ट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे सेप में चले, इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में के बाद एम एस वर्ड में कोई भी यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल ले लीजिए। चलिए हम ये वाला फ़िलहाल ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखिए जो संस्था का नाम हो। तो चलिए हम फ़िलहाल अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, कंप्यूटर इज माई पैशन, कंप्यूटर इज माई पैशन, ओके करते हैं इस तरीके से आ जाएगा।
अब इसको हम साइज यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसको पकड़ करके बाहर यहाँ पे ले आते हैं, इस तरीके से रख लेते हैं। कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर सकते हैं, ये इस तरीके से हम रख लिए। उसके बाद कलर चेंज करते हैं यहाँ से फिल कलर, इसी में अगर इसी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ सेव फिल कलर, ये सेव फिल कलर में चलते हैं। और उसके बाद पैटर्न, पैटर्न में ग्रिड लाइन, उसके बाद यहाँ पे टू कलर, टू कलर के बाद यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे रेड, इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इसी को रख लेते हैं। तो इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर शेप में चलते हैं, इंसर्ट शेप, और यहाँ पे सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो चलिए फिर इसको ले लेते हैं, कोई एक इसी को ले लेते हैं और यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं इस तरीके से। ऐड टेक्स्ट या वर्ड आर्ट से ही अगर आपको लेना होगा तो वर्ड आर्ट से ही ले सकते हैं। तो वर्ड आर्ट को लेने के लिए वर्ड आर्ट से ही चलिए फ़िलहाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट में चलेंगे, इंसर्ट में क्लिक करते हैं और ये वर्ड आर्ट में चलते हैं, कोई भी ले लीजिए। चलिए इसी को ले लेते हैं या इसको ले लेते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखते हैं, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख दिए, सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे ओके करते हैं। अब इसको बिहाइंड टेक्स्ट इसका भी इसको भी करना होगा। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट रैपिंग में, उसके बाद यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बिहाइंड टेक्स्ट हो गया। अब इसको आप कहीं भी उठा करके रख सकते हैं। चलिए फ़िलहाल यहाँ पे रखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं आ रहा, नीचे छुप जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे फिर टेक्स्ट रैपिंग में चलते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करते हैं, ये सामने आ गया। उसके बाद इसको साइज को छोटा कर लेते हैं जितना हमको चाहिए अपने अकॉर्डिंग, इस तरीके से आप रख लीजिए। स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाएगा इस तरीके से। कलर चेंज करना है सेलेक्ट करके इसका व्यू में, और सेलेक्ट करने के बाद कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ फिल कलर में चलते हैं और जो भी कलर आपको चाहिए उसका वो कलर आप रख सकते हैं यहाँ पे। वन कलर यहाँ से चलिए पिंक कर लेते हैं, इस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया। ये शेप का भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से जो भी कलर, चलिए ब्लैक रख लेते हैं इस तरीके से, ये ब्लैक कलर हो गया। उसके बाद ये सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद अब नीचे यहाँ पे लोगो रखना है राइट साइड में यहाँ पे, तो आप लोगो रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए लोगो ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में कोई शेप ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। चलिए ये वाला सर्कल हम ले लेते हैं, यहाँ से क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे सर्कल इंसर्ट कराते हैं इस तरीके से। उसके बाद इंसर्ट उसमें इंसर्ट में फिर चलते हैं, ये इंसर्ट और क्लिप आर्ट, इस पर क्लिप आर्ट में चलते हैं, कोई डिज़ाइन ले लेते हैं यहाँ से राइट साइड में। यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी पिक्चर्स। चलिए इसी को ले लेते हैं, ये ले लिए, इंसर्ट हो गया। उसके बाद इसको भी रैप टेक्स्ट, टेक्स्ट रैपिंग में चलते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग क्लिक किए, बिहाइंड टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे इन फ्रंट कर लेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक कर लिए।
उसके बाद यहाँ पे साइज इसका छोटा कर लेंगे जितना हमको चाहिए, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे इस तरीके से। अब ये बॉक्स का भी साइज कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से फील कलर में चलते हैं। येलो कर लेते हैं या कोई भी कलर कर लेते हैं, चलिए येलो ही कर लेते हैं, ये हम येलो ही कर लिए। तो ये लोगो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। उसके बाद अब चलिए उसके नीचे और कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर सक्सेसफुली कंप्लीट। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर ये कोर्स का नाम, तो कोर्स का नाम लिखते हैं सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ब्रैकेट में CCA। उसके बाद इंटर करेंगे, अब यहाँ पे डेट लिख देंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्नेचर डायरेक्टर, यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे बना लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, बना लेते हैं। तो उसके लिए लेते हैं यहाँ पे सभी को, या साइज पहले बड़ा कर लेते हैं, चलिए साइज इसका बड़ा कर लेते हैं, सेंटर। उसके बाद यहाँ पे इंटर करते हैं इसको, ये इंटर, फिर यहाँ पे इसको भी इंटर करते हैं और इसको भी यहाँ पे इंटर करते हैं इस तरीके से। बोल्ड कर लेते हैं इसको, ये बोल्ड हो गया। उसके बाद कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, चलिए फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, यहाँ पे नेम भी हो गया, इसको बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर लेते हैं, कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद बोल्ड कर लेते हैं, अब इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे शेप ले लेते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं। चलिए कोई शेप ले लेते हैं, इंसर्ट में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेप में चलते हैं और यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन ले लिए। उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करते हैं इस तरीके से। अब ये शेप का लाइन थिकनेस बढ़ा लेते हैं, मोटा कर लेते हैं, जितना मोटा पतला करना है आप कर सकते हैं। अब इसका पेज के कलर को चेंज कर लेते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं पेज लेआउट में चलते हैं, और पेज कलर में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फील इफ़ेक्ट में चलते हैं, ये फील इफ़ेक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न में चलते हैं या टेक्सचर में चलते हैं, टेक्सचर में जो भी आप टेक्सचर चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं।
इस तरीके से। कोई और भी देख लीजिए, इसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। चलिए फिलहाल उसी को रख लेते हैं, वाइट वाले को। फिल इफेक्ट, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप बना सकते हैं सर्टिफिकेट, और भी चेंजिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और भी इससे बेहतर बना सकते हैं। तो एक बार आप भी ट्राई करिए, बनाइए, और किस तरीके से जो भी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।